टाटा 4225 BS6 में बहुत ही शानदार लुक में ये टाटा की गाड़ी हमने यहाँ पर तैयार की है। पंजाब की ये गाड़ी है और उसका फुल व्यू हम आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं, कैसे इस गाड़ी का हमने फ्रंट बनाया और कैसे हमने कैबिन का 5 छत्ती कैबिन हमने बनाया। और रही बात बॉडी की, फुली हमने ओवरलोड बॉडी पर लाइट वेट में बनाने की कोशिश की है। तो चलिए हम आपको इस गाड़ी का फुल आपको ओवरऑल रिव्यू देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसपाल सिंह और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल गिल ट्रक बॉडी समाना पर। सबसे पहले गाड़ी का जो फ्रंट है वो देख सकते हो, पूरा ही स्टील में गाड़ी का फ्रंट आगे तैयार हुआ हुआ है। लाइट्स का काम भी देख सकते हो आप, लाइट्स बहुत ही अच्छी तरह क्वालिटी की यहाँ पर LED लाइट्स यहाँ पर साथ में लगी हुई हैं। और यहाँ पर देखो बाबा बुड्ढा जी का यहाँ पर स्वरूप बना हुआ है और साथ में यहाँ पर गुड्स कैरियर मिलेगा, मुकद्दर 17 वाहेगुरु, सारा वेजिंग है वो बहुत ही अच्छे ढंग से हुआ है। गाड़ी का जो तिरछापन है वो भी हमने ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश, ताकि हवा को चीरते हुए गाड़ी जाए और माइलेज पर पूरा इफेक्ट डाले। डबल आई कैट्स यहाँ पर आपको सामने की तरफ मिलेंगे, हैंडमेड हैंडल्स रहेंगे और जो शीशों पर रबड़ दी हुई है 1.5 इंची हैवी रबड़, लाइफ टाइम की उसकी वारंटी रहती है रबड़ की। रही बात वाइपर मशीन, यहाँ पर नीचे वाइपर मशीन सेट की हुई है वाटर जेट्स के साथ। BS6 में सिर्फ गिल ट्रक बॉडी बिल्डर्स ही हैं जो वाइपर मशीन ओवरऑल इंडिया में वाइपर मशीन नीचे सेट कर रहा है और साथ में वाटर जेट्स भी लगा कर दे रहा है। अगर रही बात यहाँ पर स्टील खंडे भी आप लगा सकते हो, यहाँ पर हमने लोहे के खंडे लगाए हैं, हैवी खंडे, उस पर रेडियम का काम हुआ हुआ है। जयपुर स्टैंड TV शीशे यहाँ पर लगे हुए हैं ताकि जो फ्रंट के यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट्स हैं वो ड्राइवर अपनी सीट पर बैठे दोनों ही साइड के ब्लाइंड स्पॉट्स यहाँ पर देख सकता है। जो सामने ग्रिल है उसको देख सकते हो, यहाँ पर मेटैलिक हमने यहाँ पर गोल्डन की कर किया है। और यहाँ पर बात आ गई मूछ, यहाँ पर रेड कलर की मूछ लगाई है। बाकी यहीं पर देख सकते हो आप बम्पर, इसको भी हमने नया लुक दिया है, ग्रीन मेटैलिक कलर किया है। साथ में जो यहाँ पर हेडलाइट्स हैं वो प्लास्टिक दिए, उसकी सेफ्टी के लिए यहाँ पर हमने हैवी यहाँ पर सरिये के साथ जाली बनाई हुई है। यहाँ पर भी कंपनी की तरफ से जो फिटिंग आती है उसकी यहाँ पर हमने स्पेस छोड़ी हुई थी, उस पर यहाँ पर दोनों ही तरफ हेडलाइट दी है। जो BS6 में एयर कंडर है उसकी भी हमने सेटिंग दोबारा से की है। गाड़ी का नंबर देख सकते हो PV10HP9625 गाड़ी का नंबर है। माछीवाड़ा शहर की ये गाड़ी है, पंजाब की कितियाँ बाई ने साहब रिजा पूरियाँ डीन साहब ब्रदर्स की ये गाड़ी है। और अगर हम साइड कैबिन लुक की बात करें तो बहुत ही शानदार लुक है। ऊपर जो लकड़ी का टूल बॉक्स हमने बनाया है, स्टील का नहीं है, लकड़ी का बनाया है, किकर लकड़ी का। और रही बात यहाँ पर जो डबल CD, लंबी CD भी साथ में, छोटी CD भी साथ में बनी हुई है और राज करेगा खालसा की सारी बैजिंग। और लाइट्स का काम भी आपको ज़बरदस्त रात को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और सारा जो कैबिन है हाफ स्टील में बनाया हुआ है। यहाँ पर हमने नया डिज़ाइन डाला है, जेड गोल्डन लुक में यहाँ पर नया डिज़ाइन हमने यहाँ पर बनाया है। और कील का काम नहीं किया, कोई रिवेट का काम नहीं किया, सारा स्क्रू बोल्ट किए हुए हैं, हैवी काम यहाँ पर किया हुआ है। जो भी यहाँ पर कब्जे हैं वो अंदर से हमने खिड़की के बनाए हैं। यहाँ पर पांचा चादर, यहाँ पर हैवी पांचा चादर आपको यहाँ पर मिलेगी। सिंगल पीस में यहाँ पर मडगार्ड सेट दिया हुआ है और साथ में 4 इंची यहाँ पर देख सकते हो आपको महाराजा घोड़ा आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर भी आपको स्टील की काम मिलेगा। और जो हमने ये हैंडल्स बनाए हैं वो इस हिसाब से हमने टेपर किए हैं ताकि जब हम खिड़की खोलें या खिड़की लगाएँ जो मेरे एक फिंगर्स है उसके साथ टच ना हो। छोटी छोटी बातों का बहुत ही यहाँ पर ध्यान रखता हूँ। जो खिड़की बनी है वो लकड़ी प्लस लोहे के फ्रेम की खिड़की बनी हुई है। यहाँ पर आप ट्राला भी लगा सकते हो और कस्टमर ने यहाँ पर चादर लगाई है क्योंकि चादर लॉन्ग लाइफ रहती है, पूरा यहाँ पर हैवी काम हो जाता है। यहीं पर बात करें इंस्पेक्टर का लॉक यहाँ पर मिलेगा और यहाँ पर आपको टिचकनी यहाँ पर रहेगी, लंबी चाबी वाला लॉक और साथ में यहाँ पर रेलवे लॉक आपको यहाँ पर मिलने वाला है। यहीं पर अंदर हम कैबिन के अंदर की बात करें तो कैबिन हम आपको अंदर से यहाँ पर दिखाते हैं। 5 छत्ता कैबिन हमने यहाँ पर अंदर से यहाँ पर आपको बनाया हुआ है। तो उसका फुल रिव्यू हम आपको एक बार पूरे इंटीरियर के साथ दिखाते हैं। सबसे पहले तो आ जाती है गाड़ी की सीट्स, 5 इंची गद्दे के साथ यहाँ पर सीट्स बनी हुई हैं। और आगे देख सकते हो आप, जब भी हम पावदानों पर चाहेंगे यहाँ पर भी आपको लाइट्स का बहुत ही अच्छी तरह से दिया हुआ है। कनेक्टर साइड देखने के लिए यहाँ पर मिरर दिया हुआ है, उसको लॉक अनलॉक करने के लिए भी यहाँ पर छोटा छोटा काम पहले से ही किया हुआ है। पानी पीने के लिए यहाँ पर गिलास कनेक्टर साइड के लिए, ड्राइवर साइड के लिए भी रखा हुआ है। फायर स्टॉप की ऑप्शन यहाँ पर रहती है। और आगे देख सकते हो ग्रीन ग्रास की यहाँ पर बैजिंग हुई है, मैग्नेटिक बॉक्सेस यहाँ पर आपको रहेंगे। और यहाँ पर सामने देख सकते हो LCD स्क्रीन यहाँ पर दी हुई है। और यहाँ पर देख सकते हो गुरु साहिबान का मंदिर बना हुआ है, हार वगैरह, और साथ में धूप अगरबत्ती करने के लिए यहाँ पर भी आपको गिलास मिलता है। यहीं पर हम बात करें
यहाँ पर सीट्स में जो कट बना हुआ है, जो गियर लीवर है, उसकी पोजीशन बहुत ही सेट की हुई है। और आगे उसी हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पर कूलर दिया हुआ है, वहाँ पर आप कूलर रख सकते हो। यहाँ पर देखो, अभी हम एक तो जैसे यहाँ पर कूलर्स के क्या प्रॉब्लम आती है, जो पानी वगैरह है जब गाड़ी चलती है तो छलकता है, तो यहाँ पर हमने एक अलग काम किया है। पानी आपका छलकेगा नहीं, गाड़ी पानी पर छलकेगा नहीं। हैवी मोटर प्लस यहाँ पर फ्रॉग पंप भी हैवी लगाया हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको गिल ट्रक बॉडी बिल्डर्स पर अभी मिलने ही वाली है। रही बात वहाँ पर मोबाइल चार्जर भी आपको यहाँ पर रहेगा, और सीट बेल्ट का काम, और हैंडल्स देख सकते हो। और गाड़ी का जो कैबिन है वो गोल्डन लुक में तैयार किया हुआ है। पहला है जो गोल्डन लुक में गाड़ी साल है, पहले नॉर्मली यहाँ पर स्टील का काम होता है, तो यहाँ पर अभी हमने गोल्डन स्टील इस्तेमाल की हुई है। 5-6 कैबिन है यहाँ पर देख सकते हो, बहुत ही हैवी फिनिश के साथ सारा कैबिन देख सकते हो आप। और लाइट्स का काम भी देखते हो, हैवी क्वालिटी में लाइट्स लगी हुई हैं। बाकी रही बात इस गाड़ी के, यहाँ पर पीछे ट्राला डिज़ाइन लगा हुआ है, 3D सरमाइका लगा हुआ है। कपड़े वगैरह टांगने के लिए पाइप है, साइड पाइप भी दिया हुआ है। और यहाँ पर भी आपको डबल मोबाइल चार्जर आपको यहाँ पर मिलेगा। लाइट्स का काम पीछे में वाइट लाइट और ब्लू लाइट्स आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। अगर हम स्पीकर्स की बात करें तो आप सोनी के, JBL के यहाँ पर स्पीकर्स आप यहाँ पर लगवा सकते हैं, वो भी यहाँ पर ऑप्शन रहती है। और रही बात अगर हम बात करें, साइड मिरर्स हैं वो यहाँ पर देते हो 20% ब्लैक किए हुए हैं, क्योंकि 50% का चलाना है, 20% हम ब्लैक करवा देते हैं अगर कस्टमर चाहता है। और प्रेशर हॉर्न भी यहाँ पर 6 पाइप वाला पियानो वाला प्रेशर हॉर्न लगा हुआ है। और जो गाड़ी का जो कैबिन है वो पूरी तरह से यहाँ पर लकड़ी और एंगल में यहाँ पर बनाया है, कोई पाइप कैबिन नहीं बनाया हुआ। हैवी काम आपको यहाँ पर गिल ट्रक बॉडी पर मिलने वाला है। आगे ब्लोअर बॉक्स यहाँ पर बना हुआ है। ये था जी पूरा ही कैबिन का ओवरऑल रिव्यू। अभी हम आपको बात करते हैं बॉडी के रिव्यू में। जैसे ही यहाँ पर मैं उतरूंगा तो यहाँ पर फुटस्टेप बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर फुटस्टेप दिए हुए हैं, ताकि मेरा पाँव वगैरह फिसल ना, उसके लिए यहाँ पर सरिये वेल्ड किए हुए हैं। साथ में डबल फुटस्टेप है वो कंपनी की तरफ से यहाँ पर मिलता है। और जनरली हम यहाँ पर अगर बॉडी की बात करें तो सबसे ज़्यादा एक प्रॉब्लम आती है BS6 गाड़ियों में, जो SCR सिस्टम दिया हुआ है तो उसमें यहाँ पर कैबिन और बॉडी को जो ज्वाइंट करता है एडुआ, उसमें जनरल बॉडी बिल्डर क्या करते हैं, यहाँ पर चैनर लगा देते हैं, एडुआ नहीं डालते लकड़ियाँ, क्योंकि 9 इंची एडुआ डलता है। तो वहाँ पर क्या दिक्कत आती है, एडुआ जब कट जाता है तो 4 इंची ही रह जाता है। तो यहाँ पर मजबूती, जब 9 इंची लकड़ी है तो उसको 4 इंची हमने लेस कर दिया, तो यहाँ पर मजबूती ऑब्वियस है कम हो जाएगी। तो उसको देखते हुए यहाँ पर 5 mm का प्लेट का यहाँ पर कोना दिया हुआ है, ताकि जो एंगल है उसकी मजबूती पूरी रहे। और कैबिन की मजबूती हम एडुए के साथ नहीं करते, उसका अलग से 4 इंची चैनर पर ही यहाँ पर काम किया जाता है, चेसिस से शुरुआत से ही। रही बात बॉडी का जो एंगल है, सेल कंपनी का यहाँ पर एंगल लगा 65 mm 6 mm का, रेट्रो ट्रेप ओरिजिनल 3 mm की यहाँ पर लगी हुई है, एप्पल का यहाँ पर क्रॉस बना हुआ है। 10 गेज की बॉडी की साइड चादर लगी हुई है, 1 इंची नीचे से बेंड भी की हुई है, ताकि फर्श की मजबूती और ज़्यादा यहाँ पर मिल सके। 2 इंची एंगल सारा जाल का लगाया हुआ है हैवी। और यहाँ पर देखते हो स्टील मडगार्ड्स हमारे द्वारा लगाए थे, और नई तरह की यहाँ पर लाइट्स देखते हो, पार्किंग लाइट्स, इंडिकेटर लाइट्स, ब्रेक लाइट्स, साथ में यहाँ पर दिल्ली ज़्यादा देखते हो, टूल बॉक्स भी यहाँ पर साथ में, जो यहाँ पर बैटरीज थे वो हमने अंदर शिफ्ट कर दिए हैं, और अंदर उस हिसाब से किए हैं जो SCR जब सिस्टम गर्म होता है तो बैटरी को कोई नुकसान भी नहीं करेगा। ये सारा सिस्टम पहले से ही सोचकर चलते हैं। इस साइड हमने यहाँ पर स्पेयर खिड़की भी रखी है कनेक्टर साइड में, उसका मैं आपको अंदर से व्यू दिखाता हूँ। अंदर से हमने बॉडी का कैसे काम किया है यहाँ पर देख सकते हो आप। अंदर में गाड़ी में जो लकड़ी का फर्श लगा हुआ है, और स्पेयर पाइप, स्पेयर खिड़की, और रही बात ऊपर वाले बत्ते, तो टोटल ऊपर 7 बत्ते हमने यहाँ पर लगाए हुए हैं। बैक की बात करें तो यहाँ पर 3 चैनल यहाँ पर बैक में लगे हुए हैं, हैवी बैक यहाँ पर साथ में लिया। 10 गेज की चादर की बॉडी की चादर यहाँ पर बैक में आपको लगेगी। मलेशिया साल का सारा ही काम हुआ, चाहे बैक हो गाड़ी की, चाहे यहाँ पर गाड़ी का फर्श हो, चाहे यहाँ पर एडुए हो, 9 इंची एडुए हमने यहाँ पर डाले हैं। मेन बात क्या है एडुए में, आपको मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। डबल एंगल हमने यहाँ पर किया पहला, और लिफ्ट टायर है, लिफ्ट टायर के आगे किया है, और उसके बाद मेन टायर के आगे और यहाँ पर पीछे, तो यहाँ पर डबल एंगल यहाँ पर नॉर्मली यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर क्या था, 5 एंगल यहाँ पर पहले से ही हैं, अगर हम यहाँ पर डबल एंगल कर देते तो ये हमारी गलती होती। तो यहाँ पर हमने डबल एंगल रखा है, क्योंकि यहाँ पर 4 बीम यहाँ पर आ रहे हैं, तो डबल एंगल भी हमने उस हिसाब से इस गाड़ी में किया है, क्योंकि इस गाड़ी की जो चेसिस है वो 1 फिट बढ़ाई हुई है, इस हिसाब से हमने डबल एंगल की जो प्लेसमेंट है
इस गाड़ी में की है। बाकी आप लरो का डिज़ाइन देख सकते हो, हैवी लर, फुल बॉडी है, ऊपर चैनल लगा हुआ है, डबल कुंडी बॉडी पर भी और यहाँ पर लर पर भी मिलेगी आपको। यहीं पर देखते हो आप पीछे में यहाँ पर लाइट से काम किया हुआ है, ताकि अगर पत्थर वगैरह पर गाड़ी जब चलती है तो ऊपर से पत्थर वगैरह गिरते हैं तो यहाँ पर लाइट्स टूट जाती है, तो उसको यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा बनी रहे तो उसके लिए यहाँ पर पार्सा भी लगाया हुआ है। डाले की बुक की बात करें तो यहाँ पर जो 30 इंच गाड़ी का डाला बनाया हुआ है, ब्लो हॉर्न की यहाँ पर बैजिंग लगी हुई है, लकड़ी के जो गुटके हैं जब वो डाला नीचे गिरता है तो यहाँ पर क्या होता है, या एडुए को यहाँ पर तकलीफ होती है या यहाँ पर लकड़ी छिल जाती है, तो उसके लिए यहाँ पर रबड़ मैट्स का पहले से ही काम दिया है। डबलिंग का काम सेंटर में और साइडों पर यहाँ पर तो चार चार बोल्ट के साथ किया हुआ है। 5 mm की प्लेट यहाँ पर चेसिस के पीछे दी हुई है, बैक कैमरा सेंसर्स भी लगे हुए हैं, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रेडियम टेप फुल लगी हुई है, फुल जाली का काम किया हुआ है यहाँ पर देखते हो, और मूवेबल जाली है, बैक लाइट की ऑप्शन है यहाँ पर देखते हो। यहाँ पर भी आपको स्टील की यहाँ पर डिंडसा की यहाँ पर बैजिंग मिलेगी और सुखदीप की ये गाड़ी है यहाँ पर देखते हो, गिफ्ट 2021 मिस यू। और रही बात हम ऊपर स्पेयर फट्टे की, यहाँ पर 5 स्पेयर फट्टे लकड़ी के डाले हुए हैं, कस्टमर चाहता है तो लोहे के बनाना चाहता है लोहे के भी बन जाते हैं, अपनी अपनी सबकी चॉइस होती है। और रही बात इस गाड़ी में, यहाँ पर बैक में जो एंगल लगा हुआ है वह भी सेल के क्वालिटी का लगा हुआ है, यहाँ पर हैवी जाला, दिल्ली जाला जिसको हम बोलते हैं, तो दिल्ली जाला पीछे से भी पूरा हैवी दिया है, 12 इंच की स्पेस में हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। स्पेयर फट्टे का बॉक्स देख सकते हो, यहाँ पर भी आपको स्पेयर फट्टा बॉक्स मिल जाएगा। जो गाड़ी में यहाँ पर भी हमने मैट से काम किया हुआ ताकि धूल मिट्टी है टायरों की तो ऊपर फर्श की तरफ ना जाए गाड़ी में। एक और बात, यहाँ पर जो नीचे लाइट से काम, हर एक एडुए में यहाँ पर आपको लाइट से काम मिलने वाला है यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर जो 6 चक्का गाड़ी जब बनानी पड़ती है ये गाड़ी, तो यहाँ पर चैनर लगा हुआ है, 5 इंची चैनर प्लस हैवी जोके काम यहाँ पर साथ में रहता है। यहाँ पर भी आपको जोके हैं और सामने भी आपको जोके रहेंगे। अगर हम पीछे की बात करें तो यहाँ पर पीछे एडुए में हर एक तरह से आपको जोके काम, ज़्यादा से ज़्यादा जोके मिलेंगे। और चेसिस बढ़ाई हुई है, बिल्कुल पता नहीं चलेगा ये आपकी गाड़ी की चेसिस बढ़ी हुई है। जो यहाँ पर प्रेशर टैंकी थी वो यहाँ पर नीचे हमने यहाँ पर दे दिया सेंटर में, और बिल्कुल भी आपको यहाँ पर जब भी गाड़ी अगर टायर वगैरह फटता है तो बिल्कुल स्पेस आपकी पूरी मिलेगी, टैंकी आपकी जहाँ परेशान नहीं करेगी, सेंटर में आ जाती है। और यहाँ पर दे दो हैवी डबल मैट्स के साथ आपको डबल यहाँ पर देते हो कुंडी लगी हुई है, और पत्ती का काम और स्टील का काम यहाँ पर देते हो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अगर हम इस गाड़ी के यहाँ पर डीजल टैंकी की बात करें तो यहाँ पर भी आपको डीजल टैंकी की सेफ्टी के लिए हमने यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर दिल्ली जाला बनाया हुआ है, और साथ में एड ब्लू टैंक भी ज्वाइंट किया हुआ है। बेल्ट वगैरह लगाने के लिए यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा में यहाँ पर आपको देख सकते हो सरिये काम किया हुआ है हर एक यहाँ पर डबल एंगल के पास, ताकि पूरी मजबूती आपकी यहाँ पर मिल सके। यही बात आपकी कनेक्टर साइड में, ड्राइवर साइड में, तो ड्राइवर साइड में भी आपको यही कोना मिलेगा। और सबसे बड़ी तकलीफ आती है जब गाड़ी चलती है तो क्या होता है, पीछे यहाँ पर कंपनी के मैट्स रहते हैं वो थोड़े से टूट जाते हैं, तो उसकी सेफ्टी के लिए भी यहाँ पर हमने पत्ती लगाई हुई है, ताकि ये हिलेंगे तो यहाँ पर टूट जाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के होते हैं, तो उसकी ज़्यादा लाइफ बनाने के लिए हमने पत्ती काम पहले से ही कर दिया है। और जो आगे जब हम गाड़ी चलती है तो आगे जो हमने हेडलाइट्स लगाती है तो उसमें सारी धूल मिट्टी आगे जाती है, तो यहाँ पर हमने दोनों ही साइड मैट्स दिए हुए हैं और ओपनेबल हैं। अगर कल को किसी ने आगे स्टेयरिंग का काम करना है या कोई और पाइप का काम करना है तो ये मैट्स आप खोलकर दोबारा रीफिट कर सकते हो, नट बोल्ट का ही काम दिया हुआ है। ये था जी इस गाड़ी का ओवरऑल बॉडी का और कैबिन का रिव्यू। अगर आपको इस गाड़ी की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर दबाना, और साथ में हमारे YouTube चैनल को और Facebook चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना। मिलते हैं आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।